दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। क्योंकि अभी लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, हर किसी को इसमें आवागमन की सात से सात तक छूट दी गई है, और इधर एलिवेटेड रोड का काम भी अजमेर में वापस इसी कचहरी रोड पर शुरू हो चुका है। इसी दौरान से जो अपने रस्तोगी के सामने जो कॉम्प्लेक्स है SBFC बैंक है, उसमें एक रिटर्न शिकायत हमको मोहल्ले वासियों की मिली थी कि जो बैंक का पार्किंग स्थल है उसको उन्होंने गोदाम बना रखा है और गाड़ियां बाहर खड़ी हो गई। तो वहाँ जो भी गाड़ियां बाहर खड़ी थी उसको हमने हमारे ट्रक और कैन की मदद से हटा करके अभी MV Act में कार्रवाई की है, और उन लोगों को बताया भी गया है कि आपका जो गोदाम है जो पार्किंग के लिए बना है उसे खाली करें। अभी 8-10 गाड़ियां उन्होंने हमारे सामने डाली है, बाकी सब में सामान पड़ा है, और कुछ मोहल्लेवासी भी उत्तेजित हो गए थे क्योंकि वो सड़क बहुत छोटी है। ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरा कवर कर रखा है, जो कवर कर रखा है वो नगर निगम का काम है, उसको हटाना हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर व्हीकल से अगर आवागमन में प्रॉब्लम होगी तो व्हीकल के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम 10-12 मोटरसाइकिल लेके गए हैं और 3-4 फोर व्हीलर से वो क्रेन से हटाए हैं। बिल्कुल कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, अभी लंबा चलेगा, और आवागमन में अगर प्रॉब्लम होती है तो हम बिल्कुल ये कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। मार्क्स नहीं है मैडम,